हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीवो का वाटर डेट सेट। फ्रेंड, ये वीवो का वाटर डेट सेट है जो पानी में गिरने के बाद ख़राब हो गया है। पानी में गिरने के बाद इसे मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया था और यह 2 दिन तक बहुत ही अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन 2 दिन के बाद इसके डिस्प्ले में दाग आने लगे, लाइनिंग आने लगी और इसका लाइट ब्लिंक करने लगा। उसके बाद यह फ़ोन चार्ज होना भी बंद हो गया और यह फ़ोन अचानक से ऑफ हो गई और उसके बाद यह फ़ोन स्टार्ट नहीं हुई। तो आज मैं इस फ़ोन के एक एक पार्ट्स को खोलूंगा और इसे कैसे रिपेयर करते हैं आपको बताऊंगा। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वीवो मोबाइल टेक प्लस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फ़ोन को हम लोग ओपन कर लेंगे। मैं इस फ़ोन को ओपन कर रहा हूँ, इसे खोल रहा हूँ। मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया हूँ ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, पर आप इसी तरह से इसे ओपन करेंगे। यह वीवो का मोबाइल है, यह इसी तरह से ओपन होती है। कोई भी फ़ोन हो, MI हो, Redmi हो, Oppo हो, Poco हो, Realme हो, सभी को आप इसी तरह से ओपन कर लें। अगर आपके घर में इसको ड्राइवर नहीं है, अगर आपके पास में खोलने का कोई जुगाड़ नहीं है दोस्तों, तो आप इसे शॉप पे ले जाएं, मतलब मोबाइल शॉप पे ले जाएं जहाँ पर रिपेयरिंग होता है, वहाँ पर आपका फ़ोन अच्छी तरह से रिपेयर कर दिया जाएगा। ये ज़्यादा अच्छा विकल्प है, पर आप अपने से भी कर सकते हैं। देखिए, अब मैं इस फ़ोन को ओपन कर दिया हूँ। सबसे पहले इस बैटरी कनेक्टर को हम लोग ओपन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस बैटरी कनेक्टर को ओपन करके हटा देंगे। अब इसके और पार्ट्स को हम लोग खोलते हैं। देखिए, ये कैमरा है, इस सबको आराम से धीरे धीरे करके खोल लेंगे, क्योंकि कैमरे के कनेक्टर में, डिस्प्ले के कनेक्टर में, बैटरी के कनेक्टर में जहाँ जहाँ पानी घुसा होगा वहाँ वहाँ से प्रॉब्लम आने लगेगी। तो दोस्तों, सबको अच्छी तरह से खोल लेना है और अच्छी तरह से उसे फिर हम लोग साफ़ करेंगे, ठीक है। देखिए, अब ये मदरबोर्ड है, इसे मैंने ओपन कर दिया है, इसे बाहर निकाल दिया है। अब इसका नीचे का चार्जिंग बोर्ड को खोलेंगे। ये चार्जिंग बोर्ड है, इसे भी हम लोग अच्छी तरह से खोल लेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा पानी जाती है, ठीक है। अब ये बैटरी है, इसे अब हम लोग रिमूव कर देंगे। इसके नीचे भी जो पानी गई है, मतलब वाटर गई है, उसे भी हम लोग अच्छी तरह से साफ कर देंगे, इसीलिए हम लोग इसे खोल लिए हैं। इसे अच्छी तरह से हटा कर इस तरह से खोल लेंगे। ये डिस्प्ले है, इसके भी चारों तरफ में से पानी अंदर गई होगी। तो चलिए, अब इसे हम लोग ब्लोअर की मदद से सुखाते हैं। तो हल्का हीट से इसे इस तरह से सुखाएंगे। ये तो मैकेनिक के पास आपको मिल जाएगा ब्लोअर, तो वो लोग अपना काम कर देंगे, लेकिन आपके पास शायद ना हो, तो आप इसे धूप में रख के भी सुखा सकते हैं, ठीक है। तो धूप में रख के आप अच्छी तरह से सुखा लें। देख सकते हैं, हल्का हीट मारेंगे, ज़्यादा हीट नहीं मारना है। अब इसके डिस्प्ले के चारों तरफ हीट मारेंगे इस तरह से, ताकि इसके अंदर भी जो वाटर गई है वह अभी अच्छी तरह से सूख जाए। ऐसे चेक करते रहेंगे कि ज़्यादा हीट ना हो, क्योंकि हद से ज़्यादा हीट पड़ेगा दोस्तों तो हमारा फ़ोन ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। लेकिन हमें अच्छी तरह से इसे हीट करना है, हल्का हीट करना है। देखिए, ये सब कनेक्टर है, इस सब में पानी लग जाता है, तो हमें इसे भी साफ़ करना है। ये है थिनर, ये है ब्रश। तो थिनर और ब्रश की मदद से अब हम लोग इसे साफ़ करेंगे, ठीक है। ये डिस्प्ले का कनेक्टर है, ये चार्जिंग का कनेक्टर है। इसे दोनों तरफ से हम लोग अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे। ये नेटवर्क एंटीना है, इसे भी हम लोग साफ़ कर देंगे ताकि यह फ़ोन में अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाए। ये स्पीकर है, इसे भी हम लोग साफ़ कर देंगे। ये पावर बटन का पत्ता का कनेक्टर है, इसे भी हम लोग साफ़ कर दिए। इतना कर देने के बाद इसे अब हम लोग साइड में रख देंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, ये है चार्जिंग बोर्ड। सबसे ज़्यादा वाटर इसी में जाती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यह ओपन होती है, चार्जिंग सॉकेट और हेडफोन ओपन होती है, इसमें पानी बहुत ही आसानी से चले जाता है। तो इसे भी हम लोग इस तरह से साफ़ कर देंगे, थिनर और ब्रश की मदद से अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। जिसमें साफ़ कर रहा हूँ, आप उसी तरह से इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इसके चार्जिंग कनेक्टर में आगे से भी थिनर डाल के इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, और हो सके तो रुई की मदद से इसे हम लोग रुई और चिमटे की मदद से थिनर लगा के अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। हो गया, अब इसे भी मैं रख दिया हूँ। अब ये स्पीकर बॉक्स है, ठीक है, इसे भी हम लोग अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे।
चलिए हम लोग कॉटन से साफ़ करते हैं। ब्रश से हर जगह साफ़ नहीं हो सकता है, तो कॉटन में ले लिया हूँ। अब इसमें मैं इस तरह से चिमटे में रख कर इसे थिनर में लगा के इसके हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से साफ़ करूँगा। और जहाँ जहाँ आपको पानी दिखे दोस्तों, उससे पहले साफ़ कर लें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फोन में पहले से ही पानी रहते हैं, तो उसे साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसमें मैंने पानी सुखा दिया है या पहले से सूख चुका है, इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें सुखाने वाला काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसके सारे पॉइंट्स को साफ़ कर रहा हूँ। देखिए ये सब कैमरा है, कैमरा का भी कनेक्टर को हम लोग साफ़ कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, अच्छा से साफ़ करेंगे ताकि अच्छा से कैमरा हम लोगों का चालू हो जाए। अब ये है बैक पैनल है, ठीक है, इसके कनेक्टर को भी अच्छा से साफ़ कर देते हैं। ये है फिंगरप्रिंट का कनेक्टर, ठीक है। अब कॉटन की मदद से इसके भी सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। एक एक पॉइंट्स को, आपको जो जो पॉइंट्स दिख रहा है दोस्तों, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर ले। आप जैसे भी साफ़ कर सकते हैं कर ले। अब देखिए ये मदरबोर्ड है, अब सबसे मेन चीज़ यही है दोस्तों, इसे कैसे साफ़ करना है ध्यान से देखिए। देखिए इसमें बहुत सारा पानी लगा हुआ है, तो इसी तरह से हम लोग थिनर ब्रश की मदद से अच्छी तरह से इसे रगड़ के साफ़ करेंगे। और सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में करेंगे दोस्तों, क्योंकि यही है मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड ही आपके फ़ोन को स्टार्ट करता है, और सबसे ज़्यादा योगदान जो है ये मदरबोर्ड का होता है फ़ोन को स्टार्ट करने में। तो इसे हम लोग अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग इसे साफ़ कर लेते हैं। जहाँ जहाँ वहाँ पानी दिख रहा है, जहाँ जहाँ नहीं भी दिख रहा है वहाँ भी थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। देखिए ये डिस्प्ले सबका कनेक्टर है, कैमरा का कनेक्टर है, चार्जिंग सॉकेट का कनेक्टर है, आपका पावर का कनेक्टर है, सबको अच्छी तरह से वॉश करेंगे, अच्छी तरह से साफ़ करेंगे थिनर और ब्रश की मदद से। फ्रेंड अगर आपके घर में थिनर नहीं है तो आप इसको पेट्रोल से भी साफ़ कर सकते हैं, पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप थिनर से ही करें, क्योंकि पेट्रोल जो है वो ज्वलनशील पदार्थ है, अगर आपसे अगर गलती हो गई तो आग भी लग सकती है, इसीलिए आप पेट्रोल का उपयोग ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप करते हैं तो ध्यान से करें, ठीक है। फिलहाल यहाँ मैंने थिनर से इसे अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है, ठीक है। अब इसको इस तरह से हाथ पर ठोकेंगे, ठीक है, ताकि इससे या जो है अंदर में जहाँ जो भी थिनर गया हो वह अच्छी तरह से सूख जाए। अब इसे 5 मिनट हम लोग इसी तरह से छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गया, अब हम लोग को इसे एक एक पार्ट्स को ब्लोअर की मदद से सुखाना है। तो चलिए ब्लोअर की मदद से इसे हम लोग सुखाएँगे, ठीक है दोस्तों। हल्का हीट देंगे, ज़्यादा हीट नहीं देंगे, एकदम हल्का हीट से ही सुखाएंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, जब तक थिनर अच्छी तरह से सूख ना जाए तब तक आप इसके बोर्ड पर, इसके मदरबोर्ड पर या इसके चार्जिंग बोर्ड पर हॉट मशीन मत चलाइएगा, नहीं तो आपका फ़ोन ख़राब हो सकता है। थिनर अच्छी तरह से सूख जाएगा तभी जाकर आपको ब्लोअर की मदद से इसे सुखाना है। अगर आपके पास ब्लोअर नहीं है तो आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ब्लोअर से यह अच्छी तरह से सूख जाता है, धूप में भी सूख जाएगा पर ब्लोअर से अच्छा से सूखता है। चलिए अब ये हो गया, अब इसके हर एक पार्ट्स को हम लोग फटाफट फिट कर लेते हैं, देखते हैं फिट करने के बाद यह फ़ोन स्टार्ट होती है कि नहीं। तो चलिए फटाफट इसके सारे पॉइंट्स को हम लोग जोड़ लेते हैं। इसके कैमरे सबको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, 3 कैमरा है दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। फ्रेंड मेरे चैनल पर आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, जिससे आप अपने मोबाइल का प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से कर सकते हैं। अब मैं इस फ़ोन को अच्छी तरह से फ़िट कर रहा हूँ, तो आप भी इसे अच्छी तरह से फ़िट कर लें। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ भूल गया हूँ, यहाँ एक नीचे स्क्रू लगाना था, फिर से मैं इसे खोलाऊँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि क्या पर कैसे मैं इसे खोला था, उसी तरह से इसे वापस फिट करना है। तो दोस्तों अगर आपको दिक्कत लग रहा हो दोस्तों, तो आप भी एक वीडियो बनाते हुए इसका काम करें, ताकि आपको हर एक पार्ट्स याद रहे कि कहां पर लगी हुई थी। फ्रेंड मैं आशा करता हूं कि आपका फ़ोन जो है इतना कुछ करने के बाद ऑन हो जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं होता है दोस्तों, तो आप इसे रिपेयरिंग मैन से दिखा ले, मतलब मोबाइल शॉप पे जाके इसे रिपेयर करवा ले। अगर आप खुद रिपेयर मैन हैं दोस्तों, तो इसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आने के कारण यह फ़ोन ऑन नहीं हो रही होगी, इसलिए आप उसे रिपेयर करें
और आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर होगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि कभी भी अगर आपका फ़ोन पानी में गिर जाता है या बारिश में भीग जाता है, तो सबसे पहले उस फ़ोन को आप ऑफ कर दें और उसे अच्छी तरह से सूखे कपड़े से पोंछ लें। अगर हल्का फुल्का आपका फ़ोन भीगा है दोस्तों, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमारा फ़ोन के अंदर में पानी चला गया है, तो आप थोड़ा भी देर ना करें और रिपेयरिंग शॉप पर जाके अपने फ़ोन को तुरंत रिपेयर करवाएं। बहुत सारे कस्टमर यह सोचते हैं कि अरे मेरा फ़ोन तो चल रहा है, कुछ नहीं होगा, तो ये आपका भ्रम है दोस्तों। प्रॉब्लम तुरंत नहीं आती है, 2-3-4 दिन के बाद ही प्रॉब्लम आती है। इसलिए ऐसी गलती ना करें और अपने फ़ोन को अच्छी तरह से रिपेयर करवा लें, क्योंकि पानी से मोबाइल जो है दोस्तों थोड़ा मोड़ा ख़राब नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि आपका फ़ोन जो है फिर कभी ऑन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए समय रहते अपने फ़ोन को रिपेयर करवा लें। ठीक है दोस्तों, अब हमारा फ़ोन जो है वो फिट हो चुका है, अब हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए इसे अब हम लोग ऑन होने देते हैं। आप देख रहे हो दोस्तों, इसके डिस्प्ले में हल्की लाइनिंग आ गई है। फ्रेंड, पानी जाने के कारण इसमें यह प्रॉब्लम आई है, पर हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो गया है। दोस्तों, ये जो लाइनिंग आ रही है या डिस्प्ले में पानी जाने के कारण आती है, और डिस्प्ले को हम लोग ऊपर से ही साफ़ कर सकते हैं। अगर इसे हम लोग खोलेंगे तो यह डिस्प्ले पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। तो देख सकते हैं, अब हमारा फ़ोन अच्छी तरह से काम कर रहा है, सब कुछ खुल चुका है, बस डिस्प्ले में थोड़ी लाइनिंग आ गई है। अगर आपका काम इससे चल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे इस डिस्प्ले को चेंज करवा सकते हैं। बाकी आपका फ़ोन जो है पूरी तरह से ओके हो चुका है। तो फ्रेंड, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।